इस वीडियो में हम पोटेंशियोमीटर की फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे, विच इज टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। हमें यहाँ पे देखो बेटा, आप ध्यान रखना कि पोटेंशियोमीटर में एक ड्राइवर सर्किट होता है, यानी जिसको प्राइमरी सर्किट बोलते हैं, और एक सेकेंडरी सर्किट होता है। तो जो प्राइमरी सर्किट है वो हमेशा फिक्स रहता है। जैसे ये प्राइमरी सर्किट होता है जिससे हमने कैलिब्रेशन किया था, और ये सेकेंडरी सर्किट होता है जो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे, उस हिसाब से ये चेंज हो जाता है। तो प्राइमरी सर्किट ऑलवेज रिमेन्स सेम, ठीक है। तो हमने क्या करा है, सबसे पहले जब पोटेंशियोमीटर हम यूज़ करते हैं तो या तो हमें उसका या तो हमें कैलिब्रेटेड दिया जाता है, यानी या तो उसका हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता होता है, या फिर हमें कैलिब्रेशन करके उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको कैलिब्रेशन करके पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने निकाला था उसका पिछले वीडियो में, तो वो तो हमने कर लिया अब कैलिब्रेशन पार्ट। अब हम यूज़ करेंगे इसको। तो वी आर अज्यूमिंग दैट वी नो द पोटेंशियल ग्रेडियंट के, वो हमें पता है, ये हम मान रहे हैं क्योंकि हमने निकाल लिया। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है। अब जो है इसमें हमें क्या करना है, ये हमें नीचे एक सेकेंडरी सर्किट दिया हुआ है, ये इसमें करंट फ्लो रहा होगा और पोटेंशियल डिफरेंस बना होगा कुछ आर के अक्रॉस वी, ये हमें मेजर करना है। तो अब सबसे पहले ये पॉइंट अगर ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये मान लो बी है, ठीक है, और ये पॉइंट है सी, क्योंकि बीच में गैल्वेनोमीटर आ गया है, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और बी, अच्छा बी हमने ये मान लिया है तो हम इसको डी मान लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब बेटा सिंपल बात है, हमको करना क्या है कि ये जो गैल्वेनोमीटर की जॉकी है इसको ए से रख के तब तक चलाना है जब तक गैल्वेनोमीटर की रीडिंग ज़ीरो ना हो जाए। और जैसे ही गैल्वेनोमीटर की रीडिंग ज़ीरो होगी, है ना, इन बैलेंसिंग कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन में हमको कैसे पता चलेगा कि बैलेंसिंग कंडीशन आ गई, आई जी ज़ीरो हो जाएगा, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर विल बिकम ज़ीरो। तो बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर वी जो पोटेंशियल है सी पॉइंट का और डी पॉइंट का, वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच में जो गैल्वेनोमीटर लगा है उससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो ऐसा तो तभी होता है ना जब किसी रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सेम हो, तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होता है, तो यहाँ पे वही होगा। तो विच मीन्स कि वी ए माइनस वी सी इज ऑल्सो इक्वल टू वी ए माइनस वी डी, क्योंकि वी सी और वी डी बराबर है। तो वी ए माइनस वी सी क्या है, वी ए माइनस वी सी है, अब ये जो वायर है इसकी हमने बैलेंसिंग लेंथ नापी है भाई, ये स्केल पे हम नाप सकते हैं जॉकी की ये वायर की लेंथ, इसको बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं। तो मान लो वो एल है, तो ये जो वी ए माइनस वी सी है ये कितना होगा, के एल, क्योंकि यूनिट लेंथ पे, वन लेंथ पे पोटेंशियल के है, तो एल लेंथ पे होगा के एल, ठीक है। और वी ए माइनस वी डी, वी ए माइनस वी डी जो है वो हमें मेजर करना है, उसको वी मान लो, लेट सपोज, ठीक है। तो V इज इक्वल टू के एल, K हमें पता ही है क्योंकि K हम कैलिब्रेशन से निकाल चुके हैं, और L हम मेजर कर लेंगे जहाँ पे बैलेंसिंग सिचुएशन आ जाएगी। तो बड़ा इजी था बेटा टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन में, थैंक यू।